अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं जॉब वैकेंसीज बुक और आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई जॉब ऑफर लेकर। इस जॉब के हवाले से डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल जॉब वैकेंसीज बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज जो है जॉब वैकेंसीज बुक के नाम से मौजूद है। आपने फेसबुक पे जाके सर्च करना है www.facebook.com/jobvbook के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। आपने इसको जो है लाइक कर लेना है ताकि नई से नई जो अपडेट्स हों वो आप सब तक पहुंचती रहें और इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हों जॉब के हवाले से वो आप तक ईज़िली आसानी के साथ पहुँचती रहें। अपनी इस जो जॉब आज की जॉब है उसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और तरीका जो है वो मैंने आपको इजीली जो वे है इस जॉब ऑफर तक पहुंचने का वो मैं आपको बताता हूं। आपने सिंपली जो है अपने क्रोम ब्राउज़र है या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल पे हैं या फिर आप जो है लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर पे हैं, तो इजीली गूगल ऑन करके आपने जॉब VBOO के बुक लिखना है। यहाँ पर आपने जॉब VBOO के बुक जॉब फी बुक आपने लिखना है और हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस वेबसाइट को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी अपना वीडियोस नहीं, बहुत सारी पोस्ट हैं जो जॉब से रिलेटेड है, डिफरेंट किस्म की जॉब जो कि डे बाई डे आती रहती हैं उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैंने आज आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना है वो कैडेट कॉलेज शांगर जो है सिंध में, उसके हवाले से बात करनी है और आप लोगों को बताना है कि इस जॉब ऑफर को आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका तरीका कार क्या है और ये जॉब किस हवाले से है और किन किन लोगों के लिए है। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। ये जॉब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इस जॉब से रिलेटेड है। भर्तियाँ इसमें जो है वो जारी हैं कैडेट कॉलेज शांगर में और इनको जो जो लोग चाहिए उसके हवाले से डिटेल से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि कैडेट कॉलेज शांगर को जो है वैकेंसीज हैं इनके पास लिटरेचर इन इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट मोर देन 35 ईयर और रिलैक्सेबल इन जो है, मतलब ये कि एक्सपेक्टेशनल जो लोग होंगे एक्सपेक्ट करते होंगे उन लोगों के लिए जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स दी जाएगी एज की, अदरवाइज जो है 35 ईयर इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और एमएससी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस हैंड्स, एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इनको जो है सेकेंड नंबर पे जो जॉब ऑफर है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, नॉट लेस देन 22 ईयर से जो है नीचे और ऊपर जो है नहीं होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे मांगा है इंटरमीडिएट विद DIT एंड टाइपिंग स्पीड 40 WPM, एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इनके पास भी होना चाहिए। और उसके बाद जो इनके पास लास्ट जॉब है 3 नंबर पर वो है सैनिटरी वर्कर जो है इनको चाहिए, नॉट लेस देन 22 ईयर, एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इनके पास भी होना चाहिए। यहाँ पे हम जब डिटेल से बात करते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान फ्राम S1 एंड डोमिसल्ड फ्राम सिंध प्रोविंस फ्राम S2 and 3 फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट। ओके जी, जो 2 and 3 है वो सिंध से होना चाहिए और उसके अलावा जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से आप थोड़ा सा फोकस करके देख सकते हैं कि आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप इससे एलिजिबल हैं, इससे रिलेटेड है, तो आप ज़रूर इसमें जो है वो कीजिए, इस पोस्ट को जो है आप इसको इसके हवाले से अप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में देखिए एक कौन ऐसे लोग हैं जो इससे रेलिवेंट है, तो उनको आप ज़रूर ये पोस्ट जो है पहुंचाइए ताकि वो इस जॉब ऑफर से फ़ायदा उठा सके। अभी नोट जो है इन्होंने देखा है, फर्स्ट में कंप्लीट बायोडाटा टाइप्ड विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट एंड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलोंग विद कॉपी ऑफ CNIC डिले
अटेस्टेड मस्ट बी attached with the application. दूसरे नंबर पे है the applicants already is government service should send their application through proper channel. And तीसरे नंबर पे जो है preference will be given to highly qualified and experienced hand. इन्होंने जो है ये सारी details यहाँ पे दी हुई है और इन्होंने जो है टी ए डी ए बिल्कुल भी नहीं देना और उसके बाद एप्लीकेशन शुड रीच एट द अबव एड्रेस बाय 25 फरवरी 2020. आपको जो है मतलब 25 फरवरी तक आपने इसको सबमिट कर देना है. आज 3 फरवरी है, 25 तक आप जो है इसको सेंड कर सकते हैं. प्रिंसिपल प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैडेट कॉलेज शांघड़ में आप इस एड्रेस पे जो है भिजवा सकते हैं. इजीली तरीका है और इस जॉब ऑफर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं. और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपने डिटेल से जाना होगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. और ये अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप नहीं हैं तो आप अपने जितने भी करीबी अजीज़ व अकारिब हैं उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिए ताकि वो इस जॉब ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ. खवातीन ज़ात, आज हमने एक इस जॉब के हवाले से बात की और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पेज को आप ज़रूर जो है वो लाइक कर लीजिए ताकि आप इस तरह की जितनी भी जॉब ऑफर्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे उसकी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचती रहें. तो आपके साथ ये जो सारी बातें हो रही हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा YouTube चैनल जॉब वैकेंसीज बुक के नाम से मौजूद है. आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए. डिफरेंट किस्म की और बेहतरीन किस्म की और जो अच्छी और रियल जो जॉब वैकेंसीज होती हैं उसके हवाले से डिटेल्स जो है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ. मैं अभी अभी इसको चैनल को क्रिएट किया है, कुछ दिन हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत लोग जो है सराह रहे हैं और उनके कमेंट्स देखने को मिलते हैं और वो जो है इस वाले से हमें जब गाइड करते हैं और बताते हैं कि आपका वर्क बहुत अच्छा है, उनको हमारा काम अच्छा लग रहा है. और क्योंकि हम प्रॉपरली डिटेल के साथ आपको बताते हैं आप किस तरीके से इन सारी जॉब्स को आप जो है पोस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. उस ग्रुप का जो वेबसाइट में हमारी उसका लिंक मौजूद है, उसको आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. उससे ये होगा कि आपको सारी डिटेल्स जो हैं आपके नंबर के ऊपर मिलती रहेंगी ग्रुप के थ्रू. तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए. है, मिलते हैं किसी नई जॉब वैकेंसीज को लेकर, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.